क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा दशहरा कहाँ लगता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं, दुनिया का सबसे लंबा दशहरा बस्तर में लगता है। यहाँ के दशहरे की हर बात खास है। दशहरे पर यहाँ रावण दहन नहीं होता, कांटों के झूले से देवी पर्व मनाने की अनुमति देती हैं। रथ यात्रा से पहले की शुरुआत हो जाती है इसकी, वहीं जगन्नाथपुरी के रथ से यहाँ का कनेक्शन है। पूरे देश में दशहरा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रावण का दहन किया जाता है, इसीलिए ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहाँ का दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरे की। यहाँ दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा मनाया जाता है। यहाँ की हर रस्म अपने आप में खास होती है। बस्तर दशहरा एक दिन नहीं 75 दिनों का होता है। बस्तर दशहरे में रावण का दहन नहीं किया जाता। बस्तर के दशहरे का संबंध रावण वध से नहीं जुड़ा है। यहाँ का दशहरा महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है। यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। बस्तर दशहरे के दौरान रथ को घुमाया जाता है, दूसरे जिले के देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा जाता है। राज परिवार के सदस्यों की भूमिका अहम है। देवी की अनुमति के बाद उत्सव शुरू होता है। ये परंपरा 800 सालों से चली आ रही है। दशहरे का संबंध भगवान राम से माना जाता है। इसी दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। लेकिन बस्तर के दशहरे का संबंध महिषासुर का वध करने वाली माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार बस्तर देवलोक है। कहा जाता है सतयुग में महिषासुर राक्षस ने इस देवलोक पर हमला कर त्राही त्राही मचा दी थी। तब देवताओं के आवाहन पर मां पार्वती देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और दोनों के बीच संग्राम हुआ। माता ने महिषासुर राक्षस का वध कर दिया। इसीलिए बस्तर दशहरा उत्सव स्थानीय देवी दंतेश्वरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है। बस्तर दशहरे की शुरुआत रथ यात्रा से होती है। पहली रस्म हरियाली अमावस्या पर होती है। इसमें रथ बनाने के लिए पहली लकड़ी लाई जाती है। कारीगर इस लकड़ी से रथ बनाने में उपयोग होने वाले औजार बनाते हैं। रथ निर्माण में पारंपरिक औजारों का ही उपयोग किया जाता है। रथ को संवरा जनजाति के ही लोग बनाते हैं, जो यहाँ के सिर्फ दो गांवों झाड़ उबर और बेड़ा उबर गांव में रहते हैं। बस्तर की आराध्य देवी है माता दंतेश्वरी माता और मावली माता, जो यहाँ जो आराध्य देवी है, उनको इस इतने बड़े रथ में घुमाता है जो मेरे ख्याल से इंडिया में कहीं पे भी नहीं होता। और ये रथ जो भी बनता है वो पूरे वनवासी जो है अपने श्रद्धा से अपने अपने खुद आके बनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का औजार यूज नहीं करते हुए मानव श्रम से रथ बनता है और बहुत विशाल का रथ बनता है और ये प्रति वर्ष नया रथ बनता है। इस इलाके की आराध्य देवी माँ दुर्गा के रूप में माता दंतेश्वरी हैं। माँ मावली माँ दंतेश्वरी की बहन मानी जाती हैं। दोनों का धाम दंतेवाड़ा में है। वहाँ से कई दिन पहले माँ दंतेश्वरी का छत्र और माँ मावली की टोली एक साथ दशहरे में शामिल होने के लिए जगदलपुर लाए जाते हैं। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले काच नगादी रस्म को पूरा कर पर्व मनाने की अनुमति ली जाती है। बस्तर राज परिवार के सदस्य काछन गुड़ी जाकर काछन देवी से बस्तर दशहरा मनाने और रथ परिक्रमा की अनुमति मांगते हैं। कांटों के झूले पर झूलते हुए देवी दशहरा पर्व मनाने की अनुमति देती हैं। बस्तर के तत्कालिक राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ स्वामी के भक्त थे। प्रभु के दर्शन करने के लिए उन्होंने बस्तर से जगन्नाथपुरी तक दंडवत यात्रा की थी। कहा जाता है उनकी भक्ति से जगन्नाथ स्वामी बेहद खुश हुए थे। बस्तर में दशहरा पर्व पर रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा की शुरुआत 1408 ईस्वी के बाद चालुक्य वंशानुक्रम के चौथे शासक राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। क्षेत्र के आदिवासियों में धार्मिक भावना को सही दिशा देने के उद्देश्य से राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की और अपनी प्रजा को साथ ले जाने का निश्चय किया था। राजा के इस प्रस्ताव का बड़ा प्रभाव पड़ा। जगन्नाथ स्वामी ने प्रसन्न होकर 16 पहियों का रथ राजा को प्रदान करने का आदेश प्रमुख पुजारी को दिया। इसी रथ पर चढ़कर बस्तर नरेश और उनके वंशज दशहरा पर्व मनाते हैं।
हालांकि उस समय 16 चक्कों के 2 मंजिला रथ को बस्तर तक लाने के लिए सड़कें अच्छी नहीं थी, इसीलिए राजा ने रथ को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इसमें 2 रथ 4-4 चक्के के और 1 रथ 8 चक्के का बनाया गया था। वहीं 1 4 चक्के के रथ को बस्तर कोचा के लिए दे दिया गया था। 1 अन्य 4 चक्के के रथ को फूल रथ और 8 चक्के के रथ को विजय रथ नाम दिया गया। ये दोनों रथ बस्तर दशहरा के लिए रखे गए। रथ परिक्रमा की इस रस्म को 800 सालों बाद आज भी बस्तरवासी उसी उत्साह के साथ निभाते हैं। बस्तर दशहरा जो बनाया जाता है, इसमें 5 दिन तक जो फूल रथ चलती है, इसको फूल रथ बोलते हैं। जो यहाँ दंतेश्वरी मंदिर के जो यहाँ के छत्र है, इसको 5 दिन तक गोल बाजार से यहाँ पे घुमाया जाता है, 5 दिन तक, है ना, इसको फूल रथ बोलते हैं। और फिर 6वां दिन जो रहता है वो दशहरा वाला रथ रहता है, जो भीतर रहने के नाम से जाना जाता है, वो बड़ा रथ 8 चक्के का रथ होता है। माँ दंतेश्वरी के मंदिर में माँ के छत्र और डोली को रथ तक लाया जाता है। इसके बाद बस्तर पुलिस के जवानों की ओर से बंदूक से सलामी देकर इस रथ की परिक्रमा का आगाज किया जाता है। टीम न्यूज़ 18।